दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि आखिर मैं दुकान खोलूं तो कौन सा खोलूं? गांव में रह करके, घर पे रह करके मैं ऐसा अपने गांव में क्या करूं जिससे कि मुझे पैसे कमाई हो और कम पूंजी लगे और मैं एक अच्छा खासा बिजनेस आप कर लूं? आपके मन में भी ये सवाल चलता होगा, यार आखिर मैं दुकान खोलूं तो किस चीज़ की खोलूं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हर एक चीज़ का दुकान तो खुला ही है। ठीक है, तो आज यदि आपके मन में भी ये डाउट है तो आज इस वीडियोज़ को आप अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा उम्र इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ ना पाऊँ, और इतना कम भी नहीं है कि मैं आपको समझा ना पाऊँ। ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आज का आपको बताऊंगा कि यदि आप गांव में रहते हैं और आपको एक बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस आपके लिए बेटर रहेगा, जो कम पूंजी से शुरू होगा और मार्केट में नया नहीं बोल सकते, लेकिन मार्केट में तो है, लेकिन एक अलग तरीके से आप उसको कर सकते हैं। देखिए, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक किराने की दुकान चलाता हूँ जहाँ पे मतलब कि अर्निंग हो जाती है। ऐसे कहने का मतलब है कि डेली 300, 400, 500 तक की अर्निंग हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम भी हो जाती है। ठीक है, बट इसका कोई लिमिट नहीं होता है कि मैं कितना कमाता हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी ज़्यादा अर्निंग होती है, कभी कम अर्निंग होती है, लेकिन कम से कम मतलब 200-250 से कम नहीं होता है, 400-500, 600-700 भी हो जाता है कभी कभी, है ना। कमाई की मैं बात करूँ, वैसे अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर 10,000 आप डेली सेल करते हैं तो उसमें आपकी 1,000 रुपये तो कमाई हो ही जाएगी। ठीक है, और यदि 1,000 करते हैं, मैंने जो लिमिट रखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बाद 1,000 यदि आप बेचते हैं, 1,000 का प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें आपको 70-80-90-100 रुपए तक की आपकी मार्जिन बच जाती है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर 4-5,000 यदि आप सेल करते हैं, 4-5,000 रुपये की बिक्री करते हैं तो आपका जो है 400-500 रुपये बन सकता है। ठीक है, तो जो मेरा दुकान है मैं उसके आधार पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस तरीके के वीडियोज़ आप पूरे यूट्यूब में नहीं देखेंगे, इतना बेहतरीन बच्चों की तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियोज़ को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक ऐसी वीडियो देता हूँ जो पूरे यूट्यूब में नहीं होता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपके मन में यदि डाउट चल रहा है कि यार मैं कपड़े की दुकान खोलूँ या फिर इलेक्ट्रिक शॉप खोलूँ, है ना, और आप बजट भी देखते हैं अपनी कि मेरे पास पूंजी भी नहीं है, ठीक है, तो आखिर मैं ऐसा क्या करूँ? दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि 10,000 रुपये या 20,000 रुपये आपके पास है तो मैं आपको बोलूँगा कि यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप एक किराने की दुकान कर लीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो और भी आपको बताऊंगा। मैं किराने की दुकान ही क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आज के ज़माने में मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया भाई, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि आज के ज़माने में एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो हर घर में यूज होता हो, यहाँ तक कि हर एक इंसान उसको यूज करता हो। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप क्रिएट कर सकें, एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो डेली लोग यूज करते हों। ठीक है, या फिर कोई खाने पीने वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो डेली ज़िंदगी में वो सबके लिए ज़रूरत हो। ठीक है, अगर उस पर आप बिजनेस करते हैं, उस पर आप पैसा लगाते हैं, उसको आप मार्केट में लेकर के निकलते हैं तो वो बिक जाता है। लेकिन अगर जिस प्रोडक्ट को जैसे आप रख लेते हैं, उसका 6 महीने में 4 महीने में या फिर कभी कभी किसी को ज़रूरत होती है, ठीक है, वो बिकने का बहुत कम चांस होता है और उसमें आपका पूंजी फंस जाता है और फिर आप बाद में आप परेशान हो जाते हैं और दिल करता है कि यार उसको छोड़ ही दें। ठीक है, तो यदि आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग कुछ करना चाहते हैं, दुकान करना चाहते हैं, तो आपके पास यदि 10-15 हज़ार रुपये हैं तो आप किराने की दुकान खोलिएगा एक ऐसे जगह। अब देखिए, इसमें भी प्रॉब्लम है कि मैं किराने की दुकान खोलूँ, ठीक है, समझ आता है, लेकिन ऐसे यार किराने 10-15 हज़ार लगा करके मैं क्या करूँ? देखिए दोस्त, अगर आप किराने की बढ़िया दुकान खोलना चाहते हैं, बढ़िया मतलब कि मतलब आपके पास सब कुछ सारा सामान उपलब्ध हो, वैसे तो सारा सामान किसी के पास उपलब्ध नहीं है, है ना, फैक्ट्री में भी नहीं होता है सारा सामान उपलब्ध, लेकिन फिर भी जो मेंटेन करके मतलब चलाते हैं, तो यदि आपके पास 2-3 लाख रुपए हैं तो आप अच्छा खासा एक किराना दुकान कर सकते हैं। लेकिन उतना तो हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास है 10-15 हज़ार। तो मैंने एक वीडियोज़ बनाया था आपको, उस पर लिस्ट दिखाया था कि क्या क्या वो सामान होते हैं जो डेली ज़िंदगी में यूज़ होता है और लोग उसको खरीदते ही खरीदते हैं। आप कहीं पर भी दुकान करके बैठेंगे तो लोग आपके पास आएंगे और आकर के ले जाएंगे। देखो दोस्त, बारिश जब होती है ना, बारिश जब होती है तो भी जो लोग छाता लगा कर आपकी दुकान पर ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि उनको सामान की ज़रूरत होती है और वो आपके पास होता है। ठीक है, बाकी और भी दुकानें होते हैं, लेकिन जो दुकानदार व्यवहार अच्छा होता है, है ना, अच्छे क्वालिटी का सामान मतलब बढ़िया तरीके से देता है और सस्ता देता है, सस्ता का मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए मार्केट में अभी 44 रुपए किलो चीनी चल रही है, 44 रुपीज हमारे यहाँ, तो अगर मैं उसको 42 में या फिर 41-40 में मैं अगर देता हूँ तो कस्टमर मेरे पास आएंगे और कस्टमर जो है
उस चीनी की वजह से और भी सामान लेकर जाएंगे। किसी एक प्रोडक्ट में यदि आप कम कर देते हैं रेट को तो उसके वजह से आपका कई सामान बिकता है, ठीक है। ये एक सीक्रेट है जो कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप कभी भी दुकान खोलिएगा किसी भी चीज़ का, तो किसी एक प्रोडक्ट में रेट कम कर लीजिएगा, बाकी अदर में अगर 2 रुपये ज़्यादा भी ले लेते हैं तो भी कस्टमर आपको खुशी खुशी दे जाएगा। कस्टमर को क्या चाहिए यार, उसको सस्ता चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो बढ़िया दीजिए, सस्ता दीजिए, बिल्कुल सच्चाई के साथ काम कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास लोग आते हैं, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आपको समझा देता हूँ, पहले ही अवेयर कर देता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, अब जैसे मान लीजिए 1 रुपये की टॉफ़ी है, ठीक है, कोई कोई बोलता है यार ये तो 1 रुपये में 4 मिलता है, कोई कोई बोलता है यार ये तो 1 रुपये की है नहीं, ये 2 रुपये की होती। यार लोगों का कहना है, मतलब आप बैठेंगे ना आप दुकान पर, तो आपको लोग इतना उल्लू बनाएंगे, इतना जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आप इस दुनिया में मतलब सिर्फ और सिर्फ यही सुनने के लिए आए, ठीक है। इसमें कुछ निगेटिव पॉइंट मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए इसमें निगेटिव पॉइंट यही है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। यदि आप किराने दुकान खोलते हैं ना गांव में या फिर कहीं पे भी, तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, टाइम की आपकी पाबंदी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सुबह आप 6 बजे कम से कम आप दुकान तो खोल ही देंगे, ठीक है, रात को 8, 9, 10 भी बज जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है। अगर गांव में है तो 8, 9 बजे तक तो आपका दुकान चलना ही चाहिए। अगर बीच में आप दुकान को बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, तो उसमें दिक्कत यह आती है कि कस्टमर आपके दुकान पर आता है, आपकी दुकान बंद होती है तो वो फिर किसी और दुकान पर जाता है, और वहाँ पर यदि चला जाता है तो वो दुकानदार फिर अपने में एडजस्ट कर लेता है, और फिर वहाँ पर यहाँ पर फिर आने में वो मतलब डिफरेंट हो जाता है, वो फिर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो आप बंद नहीं कर सकते, इसका निगेटिव पॉइंट यही है कि यदि आप बंद करते हैं तो फिर आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। यदि आपके फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला है, कोई माता या फिर पिता जी हैं, चाहे कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप कहीं चले जाते हैं माल वाल लाने के लिए, तो दुकान में बैठने के लिए कोई अगर इंसान है तो तब तो ठीक है, अगर कोई नहीं आप अकेला इंसान है तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगा, है ना। फिर वही हो जाएगा ना कि फिर आप दुकान बंद करके जाएंगे माल लाने, या फिर कहीं जाना होगा तो आप दुकान बंद करके जाएंगे, रिश्तेदारी भी आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अगर 2 आदमी है कि कोई हेल्प करने वाला है तो आप ठीक ठाक चला सकते हैं। तो इसमें ये निगेटिव पॉइंट यही है कि आपको पूरा टाइम देना होता है दुकान में, और बैठ करके कस्टमर का इंतज़ार करना होता है। अगर इसके साथ साथ कुछ और करते हैं तो वो काम रुक जाता है, फिर आप इसी को ही आप में टाइम देना होता है। इसमें निगेटिव यही है, बाकी देखिए मैं आपको बता दूँ इसमें और कोई पॉइंट नहीं है जो निगेटिव है, क्योंकि जितना आप पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा आप कमाएंगे, जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कमाई होगी, जितना दुकान में माल भरे रहेंगे, अगर देखिए बारिश आए धूप हो कैसा भी मौसम हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो खरीदना है जो खाना है लोग तो आएंगे आएंगे ही आएंगे आपके पास, अगर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता दे रहे हैं तो, ठीक है। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर कपड़े का दुकान करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई भी A to Z कोई भी जानकारी, कोई भी दुकान आप यदि करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं बशर्ते आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप लोग मतलब कि छोटे पूंजी के अगर कुछ करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप किराने की दुकान कीजिएगा, उसमें है ना पान वगैरह भी अगर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा रखिएगा, बच्चों का आइटम कुछ रखिएगा, खिलौना, जिससे कि बच्चे आपके पास आएँ, ठीक है। तो ये सब कुछ आइटम होते हैं जो रख करके आप दुकान को चला सकते हैं, और ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे लाखपति बन जाएंगे, लेकिन इतना कहूँगा कि जो डेली का खर्चा होता है हमारे घर का वो आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखिए आज के ज़माने में कम से कम 500 रुपये यदि आपके पास नहीं है, 500 रुपये आप डेली दिहाड़ी नहीं कमाते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं यार, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी काम करके आप यदि 400 या 500 रुपये आप कमाते हैं प्रत्येक दिन का, तो समझिए कि ठीक है, अगर उससे कम कमाते हैं तो फिर समझिए आपका नुकसान हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कीजिएगा, कुछ ऐसा या आप कुछ बना सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो आप वैसा प्रोडक्ट कुछ बना दीजिए जो चलता रहे, और आप उसको क्रिएट कर दें, आप उसको पैदा कर दें, तो फिर वो चलेगा, आपका नाम से चलेगा, आपका एक ब्रांड बन जाएगा और वो बिकेगा, जब तक रहेंगे तब तक बिकेगा। लेकिन कुछ ऐसा अगर बना सकते हैं तो, नहीं आपको ऐसा बनाना आता है तो बना बनाए कंपनी से माल लीजिए, उसको सेल कीजिए, और जो आपको कमीशन मार्जिन जो भी मिलता है उसको आप कमाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि यार मैं आपको समझा पाया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर अभी भी आपका डाउट है, कि कुछ डाउट रह गया, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियोस को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टॉपिक पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार में आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।